त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रमाण पत्र वितरण में भगवासा ग्राम पंचायत में दो प्रत्याशियों के बराबर वोट आने पर पर्ची डालकर फैसला किया गया। कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों का भविष्य जनता तय करती है, लेकिन ग्राम पंचायत भगवासा जहां 1700 कुल मतदाता थे और 1400 के लगभग मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। चुनाव में शामिल 9 प्रत्याशियों में से 7 प्रत्याशियों का फैसला तो जनता की अदालत में ही हो गया, लेकिन राम नरेश शर्मा व प्रभात किशोर शर्मा का फैसला नहीं हो सका। यहां राम नरेश व प्रभात को बराबर बराबर 228-228 मत मिले और इनका फैसला पर्ची डालकर किया गया, यानी जनता की अदालत से फैसला भगवान की अदालत में चला गया। इसके लिए दोनों नामों की पर्ची मत पेटी में डाली गई, जिसे लगभग 4 वर्षीय वरुण नाम के बच्चे ने पर्ची उठाई, जिसमें राम नरेश शर्मा का नाम निकला। प्रशासन ने नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए पर्ची निकलने के बाद राम नरेश शर्मा को विजयी घोषित करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया और दोनों प्रत्याशियों ने हार जीत का फैसला भी स्वीकार किया और एक दूसरे से हाथ मिलाकर एकता की मिसाल पेश की। क्योंकि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो दो लोगों को अगर बराबर बराबर मत प्राप्त हुए हों तो दोनों अभ्यर्थियों के सामने लाट डाल करके कार्रवाई की जाती है। जहां लाट डाल के सबके सामने कार्रवाई की गई, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, एक छोटा सा बच्चा 4 साल से पर्ची उठाई गई तो उसमें एक व्यक्ति को पर्ची निकली, उसे विजेता घोषित किया गया। जो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए उसमें प्रशासन का और इनका कैसा सहयोग क्या भूमिका रही? भाई प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था, इसमें हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सब लोगों का, एसपी साहब का भी बहुत बड़ी भूमिका रही, सारे अधिकारियों की भूमिका रही, जिन्होंने कहीं कोई परेशानी, पहली बार ऐसा गोहद का चुनाव हुआ जिसमें कहीं कोई घटना नहीं हुई, एक भी घटना नहीं हुई जो निगेटिव हो, यानी कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हमारे यहाँ चुनाव हुआ। जैसे कई पंचायतों में आपने भ्रमण किया, आपने देखा तो कहीं कुछ घटनाएं होने की संभावना थी क्या? देखिए संभावना तो प्रशासन लेके चलता ही है जी। प्रशासन संभावनाओं के बहुत सारे रास्ते तलाशते, उसके सलूशन के सोचता है, फिर उसी आधार पर अपना अपना इस्टेब्लिशमेंट डेवलप करता है, हमें कैसे शांतिपूर्ण ढंग से हम चुनाव कराएं। टाइम इंड मध्य प्रदेश के लिए गोहद से देवेंद्र जैन की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।